नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज इस वीडियो में स्वच्छता अभियान को लेकर एक ताजा अपडेट आई है, इसको लेकर आप सभी को जानकारियां मिलने वाली है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और नीचे जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार पंचायतों को स्वच्छ बनाने के लिए लोहिया स्वच्छ अभियान के अंतर्गत स्वच्छता अभियान पर तेजी से काम किया जा रहा है और इसको लेकर पंचायत के प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक परिवार में दो दो डस्टबिन आवंटन किया गया है। इस डस्टबिन में परिवार से जो भी कचरा निकलता है उस कचरे को इस डस्टबिन में डालना है और सफाई कर्मियों के द्वारा सुबह में इस कचरे को उठाकर कूड़ादान तक पहुंचाना होता है और यह काम नियमित तरीके से किया जा रहा है, जिसको लेकर लोग खुद को स्वच्छ महसूस कर रहे हैं और गांव भी स्वच्छ दिख रहा है। तो आप सभी को पहले भी बताया गया था कि जो यह पंचायत में सुविधा शुरू की गई है इसको लेकर शुल्क देना होगा और वो शुल्क 30 रुपया और 60 रुपया है। अब यह 30 रुपया किसको देना है और 60 रुपया किसको देना है, मैं आप सभी को यह क्लियर कर देता हूं। पंचायत के प्रत्येक वार्ड में प्रत्येक परिवार को जो डस्टबिन दिया गया है, उनको जो स्वच्छता को लेकर सुविधा मिल रही है, उनको प्रत्येक माह 30 रुपया शुल्क देना है और 60 रुपया जो है, जो दुकानदार हैं शहरी क्षेत्र में जो लोग दुकान किए हुए हैं और सरकारी विद्यालय जो है जहाँ ये बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं वहां पे 60 रुपया शुल्क देना है। तो इस तरह से अब यह शुल्क वसूला भी जा रहा है। पश्चिमी चंपारण जिला के नरकटियागंज प्रखंड से इसकी शुरुआत की गई है और पहले चरण में लगभग 45,500 रुपया कचरा शुल्क वसूल किया गया है। लोहिया स्वच्छ अभियान के अंतर्गत यह जो पहल है यह काफी सराहनीय पहल है। इस पहल से गांव स्वच्छ दिख रहा है और लोगों में जो कचरा से जो बीमारियां पैदा होती थी वह बीमारी अब नहीं हो रही, जिसको लेकर लोग भी इस अभियान को चलाने में साथ दे रहे हैं। स्वच्छता अभियान को लेकर जो शुल्क वसूल किया जाना था वो अब वसूल होने लगा है। पश्चिमी चंपारण जिला के नरकटियागंज प्रखंड से इसकी शुरुआत की गई है और पहले चरण में लगभग 45,500 शुल्क वसूल किया गया है। लोग भी आसानी से शुल्क दे रहे हैं क्योंकि उनके वार्ड में, उनके पंचायत में स्वच्छता का बिल्कुल ख्याल रखा जा रहा है। गांव को स्वच्छ बनाने में वह साथ भी दे रहे हैं, जिसको लेकर यह शुल्क वो आसानी से दे रहे हैं। तो अभी जो शुल्क वसूल किया गया है वो इस प्रकार है। पूर्णया हसरारी पंचायत में 15,000 रुपया, सुगौली से 3,700 रुपया, कुंडलीपुर से 5,000 रुपया, पुरोराहा से 5,100 रुपया, कुकुरा से 4,500 रुपया, सेरहवा से 4,700 रुपया तथा केहुनिया से 4,500 रुपया वसूल किया गया है। अब यह जो राशि वसूल किया जा रहा है, अब इस राशि का उपयोग क्या होगा मैं इसको भी क्लियर कर देता हूं। कुल राशि को मरम्मती मद में जमा किया जाएगा, यानी कि कचरा से संबंधित जो भी मरम्मती का काम होगा, जैसे कि कूड़ादान टूट गया या गाड़ी में खराबी आ गई, सफाई कर्मियों का जो सूट है उसमें कोई दिक्कत हो गया, तो ये सब इसी पैसा से ठीक किया जाएगा और आवश्यकता अनुसार उस राशि को खर्च किया जाएगा। तो पंचायत से जो पुरनैया हसरारी पंचायत में करीब 3,280 घर हैं, इसी तरह सुगौली में 2,335, कुंडलीपुर में 3,242, पुरोराहा में 2,835, कुकुरा में 2,824, सिरवाहा में 2,899 तथा केहुनिया में 3,048 घर शामिल है। बीडीओ सतीश कुमार ने बताया है कि पंचायत में नियमित रूप से घर घर से कचरा उठाव का जो यह कार्यक्रम है यह चलता रहेगा और यह कंटिन्यू बना रहेगा, तो लोगों को शुल्क देने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। तो अगर आपके पंचायत में भी स्वच्छता अभियान को लेकर ऐसा काम शुरू किया गया है, आपके यहाँ भी शुल्क वसूल किया जा रहा है, या स्वच्छता अभियान को लेकर कोई शिकायत है, आपके यहाँ कुछ दिक्कतें आ रही है, तो उसको लेकर भी कमेंट करके जरूर बताएं और कमेंट में अपना पंचायत वार्ड प्रखंड जरूर दर्शा दें। तो आशा करते हैं मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और नीचे जो बेल आइकन है उसे भी दबा दे ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।